भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में पाक ने एक और भड़काऊ कदम उठाया है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। हर बार अपने इरादों में नाकामयाब होने के बाद भी पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपना रहा है। क्या है पाकिस्तान की ये नई चाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही। संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाने के बाद कोई समर्थन न मिलने पर भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, अभी भी नए नए पैतरे आजमाने में लगा है। अब पाकिस्तान ने कराची के पास बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि इसका इस्तेमाल हवाई नहीं बल्कि सतह से सतह के लिए होगा। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पंजाब के फतेहजंग में है, जहां से इसे ट्रैक किया जाएगा। पाक आर्मी की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन गफूर ने ट्वीट कर परीक्षण की जानकारी दी। गफूर ने ट्वीट पर लिखा, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का रात में सफल परीक्षण किया। यह जमीन से जमीन पर 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है और कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने परीक्षण करने वाली टीम और देश को बधाई दी है। असल में पाकिस्तान ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है, वह सतह से सतह पर मार करने वाली है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पाकिस्तान का यह मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे गजनवी या हथ-3 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह मिसाइल पाकिस्तान के सेना सामरिक बल कमान में कार्यरत है। हालांकि पाकिस्तान के पास पहले से ही सतह से सतह पर 290 और 320 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम गजनवी मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ऐसे में पाकिस्तान का फिर से 300 किलोमीटर रेंज की गजनवी मिसाइल का परीक्षण करना दुनिया को तनाव का संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं इसके बनने की शुरुआत 1987 में हुई थी। कई परीक्षण से गुजरने के बाद 2007 में इसे पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया। पाकिस्तान के इस बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 8.5 मीटर है। इसका व्यास करीब 0.8 मीटर है। पाकिस्तान का दावा है कि गजनवी परंपरागत हथियार के साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में इस मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसका पहला वर्जन 2004 से ही पाकिस्तानी सेना के पास है। पाकिस्तान भारत को चाहे कितनी भी चुनौतियां दे, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन भारत भी पाकिस्तान से पीछे रहने वाला नहीं। पाकिस्तान भारत को चाहे कितनी भी चुनौतियां दे, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। भारत के पास 9 तरह की ऑपरेशनल मिसाइल हैं। इनमें अग्नि 3 भी शामिल है, जिसकी रेंज 3 से 5 हजार किलोमीटर की है। इसके अलावा हमारे पास बैलिस्टिक ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये एक क्रूज मिसाइल है। ये बिना पायलट वाले किसी भी लड़ाकू विमान की तरह होती है। ये जमीन की सतह से काफी करीब होती है। दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। वहीं अग्नि 5 तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पूर्व में चीन और फिलीपींस और पश्चिम में इटली तक मार कर सकती है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब आधा यूरोप है। ये सिर्फ 20 मिनट में चीन पहुंच सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को लगता है कि वह भारत को हराने में कामयाब हो जाएगा, तो वह एक बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस तरीके के परीक्षण कर वह भारत को डराने में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान का यह परीक्षण महज दुनिया को डराने की एक कोशिश है, लेकिन भारत भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।